रावण ने एक वरदान और मांगा था सब प्रजातियों से अजय रहने के अतिरिक्त, जिसके कारण वह माँ सीता का पिता बना। वह अपनी ही पुत्री पर कामुकता से मोहित हो जाए। उसकी पत्नी मंदोदरी ने उस विषैले रक्त का पान कर लिया और गर्भपात कर उसे धरती में दबा दिया। मानव और वानर इन दो प्रजातियों के अतिरिक्त रावण ने बाकी सब प्रजातियों से अजय रहने का वरदान मांगा था, क्योंकि वह इन दोनों को ही तुच्छ समझता था। परंतु रावण ने एक वरदान और मांगा था, जिसका वर्णन भगवान वाल्मीकि द्वारा लिखी गई अद्भुत रामायण में मिलता है। नमस्कार, मैं हूँ एकता पाठक और मेरे पॉडकास्ट अकथित रामायण के आज के एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जब ब्रह्मा जी रावण को वर देने आए तो रावण ने अमरता मांगी, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि वह अमरता के समान ही कुछ और मांग ले। तब रावण ने मांगा कि जिस दिन वह अपनी ही पुत्री पर मोहित होकर उसे प्राप्त करने की इच्छा करे और वह कन्या उसका वह प्रस्ताव अस्वीकार कर दे, तब रावण की मृत्यु हो जाए, क्योंकि वह चतुर यह भी जानता था कि वह अपनी ही पुत्री पर बुरी नजर कभी नहीं डालेगा। वरदान पाकर शक्तिशाली रावण तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर त्रिलोकीपति रावण बना। एक समय दंडकारण्य की अग्नि के समान कांति वाले ब्राह्मणों को देखकर रावण सोचने लगा कि इन्हें जीते बिना वह त्रिलोक विजेता नहीं हो सकता, पर उन महात्माओं को मारना भी उसे अमंगलकारी लगा। यह सोचकर उन्हें जीतने की इच्छा से रावण ने अपने नुकीले बाणों की नोक को बलपूर्वक उन ब्राह्मणों को चुभाकर उनका रक्त बहाया और उसे एकत्रित करने लगा, क्योंकि उनका रक्त बहाना भी उनकी हत्या करने के समान था। उनमें एक गृत्स्मद नाम का ब्राह्मण था जिसके 100 पुत्र थे। उसने अपनी पत्नी सहित भगवान से प्रार्थना की थी कि देवी लक्ष्मी उसे पुत्री रूप में प्राप्त हो जाए और एक कलश में दूध को अभिमंत्रित करके रखा था और उसे रख कर वह वन में स्नान करने चला गया। देव योग से रावण ने उसी कलश में ब्राह्मणों का रक्त भरा और उसे अपने साथ घर ले गया और ले जाकर अपनी पत्नी मंदोदरी को दे दिया और कहा कि इसमें विष से भी विषैला रक्त है, इसे संभाल कर रखना और किसी को भी मत देना। मंदोदरी रावण की वही पत्नी थी जो मेंढक से उत्पन्न हुई थी, जिसका वर्णन मैंने अपने पिछले एपिसोड में पहले भी किया है। इसके उपरांत जब मंदोदरी ने देखा कि उसका पति रावण बहुत कामुक है और अन्य स्त्रियों के साथ पर्वतों में रमण कर रहा है, तो उसने उस कलश का विषैला रक्त पीकर आत्महत्या करने का निश्चय किया। उस रक्त में देवी लक्ष्मी के आश्रय वाला दूध मिला था, जिसे पीते ही मंदोदरी को अग्नि के समान प्रकाशमान गर्भस्थित हो गया। यह देखकर मंदोदरी विस्मित एवं भयभीत हो गई कि उसके स्वामी रावण तो अन्य स्त्रियों के साथ क्रीड़ा मग्न है, एक वर्ष से वह उनसे मिले भी नहीं है, वह उनसे अपने गर्भ की बात कैसे कहेगी। यह सोचकर वह तीर्थ के बहाने से विमान में बैठकर कुरुक्षेत्र गई और वहां पर जाकर उसने गर्भपात कर उसे पृथ्वी में दबा दिया। फिर सरस्वती के जल में स्नान कर वह घर लौट आई और यह वृतांत उसने किसी के भी साथ साझा नहीं किया। कुछ समय पश्चात राजा जनक ने अपने राज्य में हुए अकाल एवं सूखे के निवारण हेतु कुरुक्षेत्र में आकर यज्ञ किया और सोने का हल लेकर यज्ञ भूमि को खोदना आरंभ किया। तब उस स्थान से एक कन्या प्रकट हुई और उसके प्रकट होते ही उस पर फूलों की वर्षा होने लगी। उस समय एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम इस कन्या को पुत्री के समान ग्रहण करो और इसका पालन करो, इसके द्वारा जगत का मंगल होगा। हल की सीत से प्राप्त हुई उस कन्या का नाम उन्होंने सीता रखा। देवी लक्ष्मी का कन्या रूप में राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न होना भी अकारण न था, इसके पीछे भी एक रहस्य है। यदि आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में रहस्य टाइप कीजिए। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भले ही देवी सीता की उत्पत्ति में रावण ने बीज न प्रदान किया हो, परंतु मंदोदरी के पति होने के नाते वह देवी सीता का पिता था, परंतु माँ सीता को प्रेम और लाड से पालने वाले राजा जनक का स्थान इतिहास रावण को ना दे सका।